नमस्कार। मुझे आज देश के अलग अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ। सरकार के प्रयासों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ साथियों को आज सम्मानित करने का सौभाग्य सरकार को मिला है। आप सभी को जन औषधि दिवस की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5000 करोड़ रुपया बचे हैं। और जैसा अभी आपने वो वीडियो में देखा, अब तक करीब 13000 करोड़ रुपया बचा है। सब मिलाकर के 13000 करोड़ रुपया बचा है, तो पिछली बजट से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13000 करोड़ रुपए जनऔषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी नेपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नेपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी जो पैसा बचाया जाता है वो एक तरह से आपकी आय में जुड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च जब बचता है तो गरीब हो या मध्यम वर्ग, वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारे इन गरीब भाइयों बहनों को करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता। जब गरीबों की सरकार होती है, जब मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, जब निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, तो समाज की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है, उसके तहत, क्योंकि आजकल किडनी को लेकर के कई समस्याएं ध्यान में आ रही हैं, डायलिसिस की सुविधा को लेकर के ध्यान में आती है, जो हमने अभियान चला है, आज गरीबों ने डायलिसिस की सेवा के करोड़ों से ज्यादा सेशन मुफ्त कराए हैं। इस वजह से गरीबों के सिर्फ डायलिसिस का 550 करोड़ रुपया हमारे इन परिवारों के बचे हैं। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए बच पाए हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। साथियों, कोरोना के समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों में वहां के नागरिकों को
एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं, लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की कि गरीबों को वैक्सीन के लिए, हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश ने मुफ्त वैक्सीन का यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च कर चुकी है, क्योंकि हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बेटे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत कर रही है। आजादी के बाद इतने दशकों तक देश में केवल एक ही एम्स था, लेकिन आज देश में 22 एम्स हैं। हमारा लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का है। देश के मेडिकल संस्थानों से अब हर साल 1.5 लाख नए डॉक्टर्स निकल आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सुलभता के बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। देश भर के ग्रामीण इलाकों में हजारों वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों के साथ ही कोशिश ये भी है कि हमारे नागरिकों को अस्पताल जाने की जरूरत ही न पड़े। योग का प्रसार हो, जीवन शैली में आयुष का समावेश हो, फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट हो, आज ये हमारे स्वस्थ भारत अभियान के प्रमुख हिस्सा है। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे भारत में सबके जीवन का समान सम्मान मिले, मुझे विश्वास है हमारे जन औषधि केंद्र भी इसी संकल्प के साथ आगे भी समाज को ताकत देते रहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।